वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू वाला पर। और इग्नू वाला आपकी तैयारी करा रहा था एक सब्जेक्ट कोर्स रिलेटेड, दैट इज DECC 131। उसी का एक क्वेश्चन पेपर मैंने पहले डिस्कस भी किया था मेरे भाई, उम्मीद है आपने वो क्वेश्चन पेपर जरूर देखा होगा। मैं आज दो और क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व कराऊंगा, इनका एक एक क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट आपको करना वो मैं आपको बताऊंगा। दोनों क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे और जो हमारी 5 कॉन्सेप्ट क्लास रह रही है वो कॉन्सेप्ट क्लास भी आपकी जरूर ली जाएंगी मेरे भाई, तो टेंशन ना ले। कुछ मेरे भाई ये कह रहे थे कि सर आप पूरा नहीं करा रहे। भाई देखो, पूरा कराने का ना तो आपके पास टाइम है और ना हमारे पास, हम भी वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस कराने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे आप पास हो जाएं। देखिए, अगर आपको पूरा ही करना था तो आपको पूरी साल से पढ़ना था मेरे भाई, डन। और अगर आप सोच रहे हैं 2-3 दिन में मैं इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूं, तो ऐसा इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से इम्पॉसिबल आप इसे कह सकते हैं, डन। इतनी बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। इसके अलावा मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ वो आप थोड़ा सा फोकस करें कि मैं आपकी तैयारी पिछले कुछ दिनों से करा रहा हूँ इस एग्जाम की, BECC 131, जो कि एक इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट कोड है। जो कि क्या है मेरे भाई, एक इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट कोड है, इतनी बात तो आपको पता चल ही गई होगी। लेकिन मैंने जो पिछली बार क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था वो जून 2022 का क्वेश्चन पेपर था मेरे भाई, जून 2022 का। ये क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट में इस क्वेश्चन पेपर को चेक कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाई दो क्वेश्चन पेपर अभी रह रहे हैं, एक तो दिसंबर 2021 का जो मैं अभी करने वाला हूँ, और एक आपका रह रहा है दिसंबर 2022 का। ये दो क्वेश्चन पेपर और रह रहे हैं आपके जिनको मैं आज डिस्कस करूंगा। देखिए, क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने के दो फायदे होते हैं, एक तो मैं पता चल जाता है कि कैसा पेपर आने वाला है और कैसे मैं इसमें नंबर अचीव कर सकती हूँ। देखिए, पूरा पेपर हो सकता है आपको सोल्व करना ना आए, लेकिन जो क्वेश्चंस मैं कह रहा हूँ उन्हें आप जरूर सोल्व करें। एक मेरे भाई बार बार कोई बच्चा है जो ये कह रहा है कि सर न्यूमेरिकल सोल्व करा दो, न्यूमेरिकल भी आज मैं सोल्व करा दूंगा, दो न्यूमेरिकल सोल्व करा दूंगा। भाई ज्यादा तो जान लोगे क्या मेरी, दो न्यूमेरिकल सोल्व करा दूंगा एज इट इज। इनके न्यूमेरिकल की खास बात ये होती है सेम पैटर्न का न्यूमेरिकल आता है, वो 20 नंबर आपके रखे रखा जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब, न्यूमेरिकल भी आज शाम तक आपको वीडियो मिल जाएगी। मुझे पता है आपका पेपर कल है। इसके अलावा एक मेरा भाई है जो ये कह रहा था कि BECC सर BECC 134 और 133 की क्लास। देखिए भाई, अगर आज मेरे को टाइम मिलता तो मैं इसको भी कवर कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर टाइम नहीं भी मिलता तो भी इनके क्वेश्चन पेपर तो मैं आज डिस्कस करके ही जाऊंगा आपके साथ। तो चलिए आज की क्लास करते हैं अपनी शुरू। ये तो था बिल्कुल इंट्रोडक्शन सा, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो सब्जेक्ट कोड है आपका जो आज मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज BECC 131 का ही सब्जेक्ट कोड है, और इसमें हम वैश्विक अर्थशास्त्र के सिद्धांत का पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, जो कि 100 नंबर का पेपर आपका होना है और 3 घंटे में पेपर आपका कंप्लीट होना है मेरे भाई। तो चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए, एक एक क्वेश्चन को थोड़ा समझने की हम कोशिश करेंगे। ये तो आपको पता ही होगा भाई, इसका हर क्वेश्चन आपको कम से कम 500 शब्दों में लिखना है। कितने वर्ड्स में लिखना है मेरे भाई, ये हर क्वेश्चन आपको 500 शब्द में लिखना है, डन। पहला क्वेश्चन पे आप फोकस कीजिए। जिस मेरे भाई ने मेरी क्लास ली होगी इस पहले क्वेश्चन की, तो जाते ही धज्जियां उड़ा देगा जिसने मेरी क्लास ली होगी। मैंने आपको बताया था बाजार मांग वक्र क्या होता है। बाजार मांग वक्र क्या होता है? एक ऐसा वक्र जो बाजार मांग को दिखाता है, एक ऐसा वक्र जो किसको दिखाता है, बाजार मांग को दिखाता है मेरे भाई, बाजार मांग को दिखाता है। बाजार मांग क्या होती है? एक बाजार में उपलब्ध सभी उपभोक्ताओं की मांग को बाजार मांग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बाजार में दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए करता है 50 पेन की मांग, बी करता है 10 पेन की मांग, तो टोटल बाजार मांग कितनी होगी, 60। तो बाजार मांग वक्र जो है वो 60 मांग को दिखाएगा, ना कि 50 और 10 मांग को। तो बाजार मांग वक्र क्या है? व्यक्तिगत मांग वक्र का कुल जोड़। डेफिनेशन लिख लेना इसकी, बाजार मांग वक्र बराबर व्यक्तिगत मांग का कुल जोड़, व्यक्तिगत मांग का कुल जोड़। ठीक है, व्यक्तिगत मांग का कुल जोड़ ही होता है हमारा क्या, बाजार मांग वक्र। एक चित्र का प्रयोग करते हुए बाजार मांग वक्र आपको दिखाना है। आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपको बिल्कुल नॉर्मल सी बात रखनी है। ये चित्र मैं आपका बनवा देता हूँ। ये आपका वाई हो गया, ये एक्स हो गया, जीरो हो गया। ये जो मांग वक्र है ये आपका बाजार मांग वक्र हो जाएगा। ये वक्र जो है यही आपका बाजार मांग वक्र हो जाएगा। ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा, ये बाजार मांग को दिखाने वाला हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, व्यक्तिगत मांग वक्र भी ऐसा ही बनता है, बशर्ते ये व्यक्तिगत मांग वक्रों का जोड़ होता है, इसलिए थोड़ा बड़ा होता है, डन। इतनी बात आपको याद रखनी, यही होता है हमारा बाजार मांग वक्र, कुछ नया नहीं है, डन। ये क्वेश्चन आप कर लेंगे सॉल्व, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करें, कीमत प्रभाव के क्या घटक होते हैं? कीमत प्रभाव, मैंने आपको बताया था मेरे भाई, कीमत प्रभाव के दो घटक होते हैं। एक तो होता है तिरछा कीमत प्रभाव, जो किससे संबंधित होता है, संबंधित वस्तुओं से। और ये मैं आपको करा चुका हूँ कि संबंधित वस्तु का प्रभाव किस प्रकार होता है। दो प्रकार के संबंधित वस्तु मैंने आपको क्लास में कराई थी, एक तो कौन सी कराई थी, प्रतिस्थापन वस्तु। क्या कराई थी, प्रतिस्थापन वस्तु। और एक आपको कराई थी मेरे भाई, पूरक वस्तु।
दो प्रकार की वस्तु मैं आपको करा चुका हूँ, प्रतिस्थापन वस्तुएं और पूरक वस्तुएं मेरे भाई। इतनी बात तो आपको क्लियर हो ही गई होगी। इसके अलावा एक गिफन वस्तु की अगर हम बात करें तो गिफन वस्तु के संदर्भ में इन घटकों के सापेक्ष प्रबलता और इनके चिन्हों पर टिप्पणी करें। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से आता क्वेश्चन समझ में नहीं आया, पर इतना तो समझ में आया गिफन वस्तु क्या होती है मेरे भाई, घटिया वस्तु होती है भाई। क्या होती है? घटिया वस्तु होती है ऐसी वस्तु जिनकी अगर कीमत बढ़ेगी तभी हम इनकी मांग बढ़ाते हैं, अगर इनकी कीमत घट जाती है तो इनकी मांग भी क्या होती है, घट जाती है। यानी गिफन वस्तु में मांग का नियम लागू नहीं होता भाई, गिफन वस्तुओं के साथ मांग का जो नियम होता है मेरे भाई वो लागू नहीं होता। अब इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल घटिया वस्तु कौन सी होती है, आपने कभी ओट्स खाए हैं? ओट्स सबने खाए होंगे। तो जो ओट्स होते हैं वो मोटे अनाज के बनते हैं मेरे भाई, किसके बनते हैं? मोटे अनाज के। मोटा अनाज एक घटिया वस्तु गिफन वस्तु माना जाता था पहले, लेकिन जब से इसे ओट्स में कन्वर्ट किया गया यही 150 रुपये का 200 रुपये का पैकेट आता है। क्योंकि इसकी कीमत बढ़ गई है तो इसकी मांग भी बढ़ गई है, और इसकी कीमत घटने पर इसकी मांग घट जाती है। तो घटिया वस्तु या गिफन वस्तु नहीं कहते जिनका कीमत के साथ और मांग के साथ सीधा संबंध होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, इसे ही हम कहते हैं घटिया वस्तु के साथ कीमत प्रभाव। मेरे भाई दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए, सोल्व कर लेना घटिया वस्तु वाला क्वेश्चन भी। चलिए अब बात करते हैं लागतों की। हालांकि लागतों की आज क्लास में आपके साथ लूंगा, लेकिन फिर भी देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से इसमें आता है। पहला क्वेश्चन सीमांत लागत क्या है भाई, पहला क्वेश्चन एमसी क्या है। जब हम वस्तु की एक और इकाई का उत्पादन करते हैं तो उसे सीमांत लागत कहते हैं। औसत प्रवर्ती लागत क्या है, इसे कहते हैं एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन याद करनी है आपको। औसत कुल लागत क्या है, जिसे हम कहते हैं एसी। औसत कुल लागत को क्या कहते हैं आप, एसी कह सकते हैं, डन, या फिर एटीसी, कहीं कहीं इसकी जगह लिखा मिलेगा आपको एटीसी। क्लियर। इन वक्रों की परिभाषा देनी है, इन वक्रों की क्या करनी है, परिभाषा देनी है, और उनके बीच में संबंध भी बताने हैं, किस किस के, एवीसी, एमसी और एसी वक्र। तीन वक्र एक जगह बनाने हैं आपको, एमसी, एवीसी और एसी वक्र। ये मैं अभी आपके बनवाऊंगा तो आपको टेंशन नहीं लेने का है। इसके अलावा अगर बात करें दीर्घकालीन औसत लागत वक्र, अब दीर्घकाल की बात हो रही है, दीर्घकाल में जो औसत लागत वक्र होता है और अल्पकाल में जो औसत लागत वक्र होता है वो दोनों अलग अलग होते हैं, एक समूह को समावेशित करते हैं। उपयुक्त आरेखों का प्रयोग करके इसकी व्याख्या करें। कुल मिलाकर आपको करना कुछ नहीं है इसमें, एक तो आपको एसी वक्र दिखाना है जो कि किसका हो, दीर्घकाल का हो, है ना। दीर्घकाल में कैसा बनता है वो आपको बताना है, और अल्पकाल में कैसा बनता है वो आपको दिखाना है, और फिर दोनों के बीच में आपको संबंध बता देने हैं मेरे भाई कि दोनों के बीच में क्या संबंध होता है। देखिए अगर मैं बात करूं अल्पकाल में जो एसी वक्र होता है वो यू आकार का होता है मेरे भाई। अल्पकाल में कैसा होता है, यू आकार का होता है, क्योंकि अल्पकाल में पहले जो एसी लागत होती है वो पहले घटती है फिर स्थिर हो जाती है और फिर बढ़ने लगती है, तो अल्पकाल का तो ऐसा होता है। दीर्घकाल का मेरे भाई आप पता कर लो, वरना मेरी क्लास का थोड़ी देर के लिए इंतजार करो, मैं आपको फिर बताऊंगा इसके बारे में, डन। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। चलिए आगे बात करते हैं मेरे भाई, उपयुक्त आरेखों की सहायता से। ये क्वेश्चन ऐसा है मेरे भाई, परिवर्ती अनुपात का नियम, हालांकि मैं आपको कराऊंगा परिवर्ती अनुपात का नियम चित्र की सहायता से। मैं कह रहा हूँ 1000% लिख लो इसके आगे, ये पेपर में 1000% आने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो आप कहोगे सर कुछ क्वेश्चन तो ऐसे बता दो जिन्हें मैं रट के चला जाऊं और पास हो जाऊं, भाई यही है वो क्वेश्चन। परिवर्ती अनुपात का नियम क्या होता है, जब उत्पादन पहले बढ़ता है फिर घटता है फिर स्थिर होता है फिर ऋणात्मक हो जाता है, इसे ही नियम को कहते हैं हम क्या, परिवर्ती अनुपात का नियम। इसमें मेन होता है आपका सीमांत उत्पाद, क्या होता है सीमांत उत्पाद, वो भी मैं आपको बताऊंगा, डन। इसके अलावा ये क्वेश्चन ह्रासमान प्रवर्ती प्रतिफल, वृद्धिमान और स्थिर, ये क्या है उत्पादन की तीन अवस्थाएं, भाई रट लेना 5 स्टार लगा लो, उत्पादन की तीन अवस्थाएं होती है मेरे भाई। कितनी होती है, तीन, उत्पादन की तीन अवस्थाएं, उत्पादन की तीन अवस्थाएं बतानी है मेरे भाई आपको, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ भाई मैं तुम्हें, एक तो एक प्रवृत्ति अनुपात का नियम, एक उत्पादन की तीन अवस्थाएं, ये 20 नंबर आपके हो गए भाई क्लियर, ये हो गए आपके 20 नंबर क्लियर। उत्पादन की अवस्थाएं तीनों रट लो, कौन कौन सी होती है, पहला होता है बढ़ता प्रतिफल, फिर होता है स्थिर प्रतिफल, और फिर होता है भाई साहब घटता प्रतिफल। तीन उत्पादन की अवस्थाएं होती हैं, पहले उत्पादन बढ़ता है फिर उत्पादन स्थिर होता है और फिर उत्पादन घटने लगता है, इसे ही हम कहते हैं क्या, उत्पादन की तीन अवस्थाएं मेरे भाई, याद रहेगी इतनी सी बात। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अब आ जाता है ये न्यूमेरिकल भाई, ये न्यूमेरिकल मैं हालांकि आपको कराऊंगा लेकिन थोड़ा सा यहाँ बता के चलूंगा ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। देखिए मेरे भाई एक समीकरण आपको दिया गया है, ये समीकरण आपको दिया गया है और सेम ही सवाल आना है, जो सवाल मैं यहाँ बता रहा हूँ ना एज इट इज आना है, एज इट इज ऐसा का ऐसा ही आना, बस नंबर चेंज होगा, पैटर्न सवाल का यही रहना है। देखो ये सवाल दिया गया है आपको जहां पर क्यू क्या है वस्तु की मात्रा है, हाईलाइट करते चलो, क्यू क्या है वस्तु की मात्रा है, पी जो है वस्तु की क्या है मेरे भाई कीमत है, ए और बी जो है, ए और बी जो है दो कॉन्सोनेंट है यानी स्थिरांक है, इसके आधार पर हमें दो प्रश्नों के उत्तर देने होंगे।
पहला हमें ये पहचानना होगा कि ये जो इक्वेशन हमें दी गई है, ये जो समीकरण यानी इक्वेशन हमें दी गई है, ये इक्वेशन एक मांग के समीकरण है या फिर एक ये पूर्ति का समीकरण है। ठीक है, अपने उत्तर के लिए कारण भी बताना है आपको। चलो भाई ट्रिक बता दूं, ये 20 नंबर खींचने का तरीका बता दूं, कितने नंबर बैठ रहे हैं इसके 20, तरीका बता दूं 20 नंबर कैसे खींचने, देख लो सुन लो। तो भाई आपको कुछ नहीं करना, दिमाग को बिल्कुल शांत रखो। अगर इन दोनों के बीच में ये पैटर्न दिखाई दे रहा, अगर इन दोनों के बीच में भाई प्लस का साइन हो, अगर प्लस का साइन हो तो ये समीकरण हमेशा आपूर्ति वक्र होता है। ये समीकरण हमेशा कैसा समीकरण होता है भाई, आपूर्ति समीकरण होता। लो भाई दो नंबर तो आपको ये मिल गए। अगर इन दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह हो मेरे भाई, क्या हो, माइनस का चिन्ह हो, तो ये होता भाई मांग समीकरण, ये होता है भाई मांग समीकरण। आंसर पता चल गया। अब बताओ तुम्हारे वाले क्वेश्चन का कौन सा समीकरण है। आप कहोगे सर हमारा समीकरण है आपूर्ति समीकरण। आप क्या कहोगे मेरे भाई, हमारा समीकरण है सर आपूर्ति समीकरण। कैसे पता चला, देखो मैं तरीका बताता हूँ। क्योंकि आपूर्ति जो होती है इसका कीमत के साथ सीधा संबंध होता है। कीमत बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है, और कीमत घटती है तो सप्लाई भी घटती है। तो कैसा रिलेशन हुआ मेरे भाई, पॉजिटिव रिलेशन हुआ। और इस पॉजिटिव रिलेशन के कारण समीकरण कोई भी बना लो उनके बीच में हमेशा प्लस का साइन आएगा, इसलिए समीकरण क्या है, पॉजिटिव समीकरण है। ये हो गया इसका कारण। कारण में आप लिखोगे कि पूर्ति और कीमत का सीधा संबंध होता है। कारण क्या भाई, पूर्ति और कीमत का सीधा संबंध पाया जाता है। कैसा संबंध पाया जाता है मेरे भाई, सीधा संबंध पाया जाता है, इसलिए इसे हम कहते हैं क्या, आपूर्ति समीकरण। अगर इसी बीच में यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता, यहाँ पर कौन सा चिन्ह होता, माइनस का, तो आप कहते हैं मांग समीकरण है। क्योंकि कीमत और मांग में उल्टा संबंध होता है। आपको पता है ना, कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है, तो एक कैसा रिलेशन है, माइनस वाला रिलेशन होता है। 6 नंबर क्लियर हो गए, कर लोगे इसके पेपर में अटेम्प्ट, अब तुम्हारे ऊपर है भाई। चलो आगे बढ़ जाते हैं। चलिए देखिए, ऐसी एक और समीकरण आपको दिया जाएगा, सेम आपको दिया जाएगा, और इसमें कहा जाएगा आपसे कि संतुलन कीमत कैसे निकालोगे, संतुलन मात्रा कैसे निकालोगे। मैं आपको बता दूंगा भाई, टेंशन मत लो, इस न्यूमेरिकल को थोड़ी देर के लिए स्किप कर दो। मैं इसके लिए एक पूरी क्लास बना दूंगा 10 मिनट की, जिसमें केवल ये न्यूमेरिकल ही सोल्व कराऊंगा। अब तो खुश हो, अब खुश हो के नहीं हो तुम, बस तो क्यों टेंशन ले रहे हो। चलो दो न्यूमेरिकल सोल्व करा दूंगा 10 मिनट की क्लास में, छोड़ो फालतू की बात है, कंटेंट पर फोकस करो, क्योंकि न्यूमेरिकल पास नहीं करा पाएगा आपको, कंटेंट कराएगा। देखो भाई, किसी भी वस्तु में आपूर्ति में संकुचन, हालांकि आज की क्लास में कराऊंगा कि पूर्ति में संकुचन क्या होता है और आपूर्ति की गई मात्रा में कमी क्या होती है। तो संकुचन और कमी, जैसे मांग में कराया था ना मैंने संकुचन और कमी, ऐसे ही पूर्ति में भी संकुचन और कमी आती है मेरे भाई। तो इन दोनों में हमें क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है, और वस्तु की आपूर्ति में परिवर्तन के कारण भी बताने हैं कि वस्तु की आपूर्ति में परिवर्तन क्यों होते हैं, यानी कुल मिलाकर हमें निर्धारक तत्व बताने हैं। पूर्ति के क्या बताने मेरे भाई, निर्धारक तत्व बताने हैं। ये भी आपको मैं बताऊंगा, क्लास मेरी रेगुलर आप लेते रहिए, और जहां आपके ग्रुप में लोग BEC CCS 131 के ना, उन्हें जरूर शेयर करो, उनके लिए बड़ी हेल्प होगी। अब बात करते हैं गंडावाची उपयोगिता विश्लेषण, ये मैं आपके लिए करा चुका हूं, तो आपको इसकी आलोचना बतानी है। आलोचना के 3 पॉइंट बता देता हूं मैं आपको। गणनावाची जो है ये हमेशा गिनतियों में करती है, गिनतियों में संतुष्टि नापती है, लेकिन क्या ये संभव है, क्या ये संभव है कि संतुष्टि को किस में नाप पाए, गिनती में संतुष्टि मापी जाए। तो पहली आलोचना तो इसकी यही हो गई कि गणनावाची माप ये कहता है कि पूरी संतुष्टि को गिनती में मापा जाना चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ आइसक्रीम खाकर आपको कितना मजा, और आप मुझसे कहें 5 मजा आया, तो ये क्या बात हुई, आपको कहना चाहिए अच्छी लगी बुरी लगी। तो क्रमवाची माप ज़्यादा बेहतर लगता है गणनावाची माप की तुलना में। दूसरी बात, इसमें जो है इसका जो विश्लेषण है ये बहुत ज़्यादा कठिन विश्लेषण है। ये क्या कठिन विश्लेषण है, जो कि दैनिक जीवन से जुड़ता दिखाई नहीं देता, ये दैनिक जीवन से जुड़ता दिखाई नहीं देता। आप खुद ही देखो, आपको गणनावाची विश्लेषण मैंने कल की क्लास में कराया था, आपको कितना समझ में आया, इतना हार्ड है तो उपभोक्ता को कैसे समझ में आएगा, संतुलन में कैसे प्राप्त करूँ, बहुत ज़्यादा टिपिकल है। और यहाँ पर क्या है, गिनतियों में तुलना की जाती है, जो कि संतुष्टि की संभव ही नहीं है। डन, तो ये 3 पॉइंट लिख लेना आप जो मैंने आपको बता दिए। डन, इसके अलावा एक गैर रेखिक उत्पादन फलन, उत्पादन फलन 2 प्रकार के होते हैं मेरे भाई। एक तो होता है गैर रेखिक उत्पादन फलन। उत्पादन फलन क्या होता है, उत्पादन और उसके कारकों के बीच में संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। और एक रेखिक उत्पादन फलन, एक क्या है रेखिक उत्पादन फलन, इनके बीच में क्या अंतर होता है, सचित्र बताना है आपको। इनके बीच में अंतर को क्या करना है, सचित्र बताना है। अगर मेरे को मौका मिलेगा तो ये क्वेश्चन भी मैं आपका सोल्व कराऊंगा। डन, इसके अलावा आगे बढ़ जाओ, समोत्पाद वक्र, ये याद रखना भाई, समोत्पाद वक्र। निम्नलिखित चित्र में के पूंजी के, पूंजी को किससे दिखाया, के से दिखाया है, और श्रम को दिखाया भाई किससे, एल से दिखाया, ठीक है। द्वारा उत्पादन के 3 समोत्पाद वक्र दिए गए हैं, कितने समोत्पाद वक्र दिए गए, I1, I2 और I3। समोत्पाद वक्र होता क्या है, एक ऐसा वक्र जिसके हर बिंदु पर उत्पादन का समान स्तर हो, हर बिंदु पर क्या हो, उत्पादन का समान स्तर हो मेरे भाई। इनके उत्पादन स्तर देखो,
एक में कितना है 100, दूसरे में है 200, तीसरे में है मेरे भाई 300। इतना तो आपको पता चली गया होगा। चलिए अब इसका क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, समुत्पाद वक्रों के उपयुक्त सेट द्वारा दर्शाए गए पैमाने के प्रतिफल की पहचान कीजिए। किसकी पहचान कीजिए? पैमाने के प्रतिफलों की पहचान कीजिए और ऐसे पैमाने के प्रतिफलों के लिए उत्तरदायी कारक बताइए। आप मेरे भाई एक बात नहीं बता सकते, आपको दिख नहीं रहा ये कौन सा पैमाना होगा भाई, ये पैमाने का कौन सा प्रतिफल होगा, आप ही बताओ। पहले 100 से उत्पादन 200 हो रहा है, फिर 300 हो रहा है, क्या आपको पैमाने का बढ़ता प्रतिफल दिखाई नहीं दे रहा भाई? कैसा प्रतिफल है? बढ़ता प्रतिफल है मेरे भाई। पैमाने का कैसा प्रतिफल? बढ़ता प्रतिफल। कारण क्या है? कारण लिख लो तीन, कारण लिख लो तीन। पहला भाई, शुरू में जब उत्पादन हो रहा होता है तो एमपी बढ़ता है, एमपी बढ़ता है। कारण क्या है? अभी स्थिर कारक का इस्तेमाल हुआ है, तो स्थिर कारक का अच्छा क्या होता है? अच्छा समन्वय होता है शुरू में, इसलिए उत्पादन क्या होता है? बढ़ता है। दूसरी बात, हम कह सकते हैं कि कारकों पर दबाव कम होता है, कारकों पर कम दबाव होता है मेरे भाई, कारकों पर कम दबाव होता है। जब कारकों पर कम दबाव होगा मेरे भाई, तो कहीं ना कहीं दोनों में अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा। तुम ही सोचो, तुम एक फैक्ट्री लगा के बैठे जिसमें एक मशीन, चार मजदूर, आपने अभी अभी मशीन लगाई और चारों मजदूर अभी लगाए, तो शुरू में तो उत्पादन बढ़ेगा ना। कारण क्या है? दो, एक तो सीमांत उत्पाद बढ़ेगा क्योंकि स्थिर कारक अच्छा समन्वय दिखाएंगे शुरू में, दूसरा कारकों पर दबाव भी क्या होगा? बहुत ज्यादा कम होता चला जाएगा क्योंकि अभी मशीन पर केवल चार ही मजदूर लगे हैं। तीसरी बात हम कह सकते हैं कि अभी सब कुछ क्या है, ये मैं आपको बढ़ते प्रतिफल के तीन कारण बता रहा हूँ, अभी मैं बढ़ते प्रतिफल के तीन कारणों में तीसरा जो आपको कारण लिखना है वो ये लिखना है कि जो मशीन है और जो क्या है, श्रम है। मशीन और श्रम में क्या होगा? दोनों में क्या होगा? ऐसा कह सकते हैं आपसी क्या हो जाएगा मेरे भाई, मशीन और श्रम में क्या हो जाएगा? आपसी, इसे कह सकते हो आप संतुलन, आपसी संतुलन रहेगा, है ना। अभी संतुलन बिगड़ेगा नहीं क्योंकि नया सा साल है, नया नया सा मशीन का माल है, तो होगा क्या? शुरू में तो अच्छा उत्पादन होगा, तो बढ़ता प्रतिफल होगा, ये बढ़ता प्रतिफल को दिखाता है। ये क्वेश्चन सोल्व कर लोगे भाई? अब चलो अगला क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के वास्तविक आंतरिक मित व्ययों पर चर्चा कीजिए। वास्तविक आंतरिक मित व्ययताएं विभिन्न प्रकार की, उन पर चर्चा करनी है। अब देखो ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन उस चैप्टर से जरूर है ये, तो ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसके लिए आपको क्लास लेनी पड़ेगी, इतने आसानी से समझ में आने वाली बात नहीं है। डन। इसके अलावा बात करें उत्पादन संभावना वक्र, वही बात है, चाहे आपसे कहे उत्पादन संभावना सीमा वक्र या आपसे कहे उत्पादन संभावना वक्र, उसको बना के दिखाना भाई। मैं बना के दिखा चुका हूं, तो मैं सब कुछ बताया था उत्पादन संभावना वक्र के बारे में, और इस वक्र का ढाल क्या होती है, याद रखिए इस वक्र का ढाल क्या होती है, मैं आपको बता चुका हूं। इस वक्र का ढाल होती है MRT, रूपांतरण की दर। क्या होती है? रूपांतरण की दर, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई। डन भाई, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऊपर क्या दिखाते हैं हम, ऊपर दिखाते हैं उत्पादन का लाभ, सॉरी इसको उल्टा कर लेना मेरे भाई, इसको उल्टा कर लेना, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो आपको दिखाना है, ऊपर तो होती है उत्पादन की हानि, एक वस्तु में उत्पादन की जो हानि होती है, और उसके बटे में रखते हैं हम क्या, उत्पादन का लाभ, दूसरी वस्तु में उत्पादन का लाभ, यही होता है हमारा क्या, इसका ढाल। तो लिख लोगे इसके बारे में, और उत्पादन संभावना वक्र बना के दिखा देना, और पहले सबसे पहले ये बताना उत्पादन संभावना वक्र होता क्या है, फिर इसकी विशेषता बताना, चार नंबर आपके परफेक्ट। भाई देखो, BA की खास बात ये होती है, जो पूछा गया केवल उतना नहीं लिखना होता, उसके बारे में जितने भी आस पड़ोस की जानकारी आपकी है सब आपको लिख देनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कुछ कहा कि आपको अपने दोस्त को केवल इतना बताना है कि हमारा एक चैनल है, क्या आप केवल इतना बता के रह जाओगे? आप आस पड़ोस की जानकारी दोगे, वहाँ पे ये पढ़ाया जाता है, वो पढ़ाया जाता है, ऐसे पढ़ाते हैं, वैसे पढ़ाते हैं, तो आस पड़ोस की जानकारी ग्रेजुएशन में आपको देनी पड़ती है, यही उसूल है और यही है शासन माहिष्मति साम्राज्य का। डर, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये है, जब संसाधनों का अल्प प्रयोग हो रहा हो और जब संसाधनों का कैसा दक्ष प्रयोग हो रहा हो, ये किसमें दिखाना हमें? ये उत्पादन संभावना वक्र में दिखाना है मेरे भाई। तो मैं बता देता हूँ संसाधनों का अल्प प्रयोग कब होता है, डायग्राम से बता देता हूँ, आप लिख लेना। ये आपको पता है उत्पादन संभावना वक्र बना दिया मैंने A और B करके, उत्पादन संभावना वक्र के अंदर कोई भी बिंदु, उत्पादन संभावना वक्र के अंदर कोई भी बिंदु संसाधनों का क्या दिखाता है मेरे भाई, अल्प प्रयोग दिखाता है। संसाधनों का कैसा प्रयोग दिखाता है? अल्प प्रयोग। और उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर कोई भी बिंदु, इसके ऊपर कोई भी बिंदु, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ले लिया A बिंदु,
यहाँ ले लिया बी बिंदु, तो ये दोनों बिंदु क्या दिखाएंगे, संसाधनों का दक्ष प्रयोग। तो याद रखिए उत्पादन संभावना वक्र के अंदर कोई भी बिंदु अगर आप बनाते हैं तो संसाधनों का अल्प प्रयोग, और उसके ऊपर कोई भी आप बिंदु बनाते हैं तो संसाधनों का पूर्ण प्रयोग दिखाया जाता है। उत्पादन संभावना सीमा वक्र को क्या बातें खिसका देती हैं, याद रखिए दो बातें उत्पादन संभावना वक्र को खिसका सकती हैं। भाई खिसकना भी दो जगह हो सकता है इसका, एक तो आगे की ओर खिसकना, भाई आगे की ओर खिसकना, उत्पादन संभावना वक्र आगे की ओर कब खिसकता है, दो कारण मैं इसके बताऊंगा आपको, और पीछे की ओर कब खिसकता है, दो कारण इसके बताऊंगा, पीछे की ओर खिसकना, डन। आगे की ओर खिसकने के दो कारण लिखो भाई, पहला कारण है संसाधन बढ़ना, क्या होना, संसाधन बढ़ना, अगर संसाधन बढ़ेंगे तो आगे की ओर खिसकेगा। दूसरा कारण तकनीक में सुधार होना, तकनीक में सुधार, जब तकनीक में सुधार होगा तो ये कहाँ खिसकेगा, ये आगे की ओर खिसकेगा मेरे भाई। पीछे की ओर कब खिसकेगा, जब संसाधन कम हो जाएंगे, जब संसाधन कम हो जाएंगे, जब संसाधन कम हो जाएंगे तो पीछे की ओर खिसकेगा, तकनीक क्या हो जाएगी, पिछड़ जाएगी, तकनीक पिछड़ना, ये क्या होगा, ये दो कारण हो सकते हैं पीछे की ओर खिसकने के। तो समझ में आया, उत्पादन संभावना वक्र क्यों खिसकता है, दो कारणों से खिसकता है मेरे भाई, दोनों मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है शायद हमारा, मे बी नई टिप्पणियां रह रही है उसके बाद। देखो दुर्लभ संसाधनों के आवंटन में राशन व्यवस्था, दुर्लभ संसाधनों के आवंटन में राशन व्यवस्था क्या होती है भाई, राशन व्यवस्था मैं आपको बता देता हूँ, साथ ही राशन व्यवस्था से जुड़े परिणामों का भी वर्णन करें। भाई देखो दुर्लभ संसाधन, आपको पता संसाधन दुर्लभ होते हैं तो हमें उसकी राशनिंग करनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है, राशन व्यवस्था, ले भाई मार कर भी गया आप तो। देखो राशन व्यवस्था, राशन व्यवस्था का मतलब क्या होता है, कोटा, कोटा तय करना। फॉर एग्जाम्पल भाई मुझे दो वस्तुओं का उत्पादन करना है, वस्तु ए का उत्पादन करना है, बी का उत्पादन करना है, लेकिन भाई जो मेरे पास संसाधन है, जो मेरे पास क्या है, संसाधन है, ये तो सीमित है, ये तो क्या है मेरे भाई, दुर्लभ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के लिए एक कोटा निर्धारित करना पड़ेगा। कोटा निर्धारित करने का मतलब एक लिमिटेड मात्रा तय करनी पड़ेगी, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं राशनिंग, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं मेरे भाई, इसी प्रक्रिया को हम राशनिंग कहते हैं, जब अलग अलग उत्पादन क्रियाओं के लिए संसाधनों का कोटा तय कर दिया जाता है, निश्चित मात्रा तय कर दी जाती है कि इससे ज़्यादा मात्रा इसके उत्पादन में नहीं लगाई जानी चाहिए, ऐसी व्यवस्था को राशनिंग कहते हैं। इसके परिणाम ये होते हैं संसाधनों का उचित आवंटन हो जाता है, दोनों वस्तुओं का उत्पादन तय हो पाता है और दोनों वस्तुओं के समान उत्पादन के निर्णय लिए जा सकते हैं, डन। इसके अलावा आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, हमें क्या करना है, निम्नलिखित तीन युगों में अंतर करना है, तीन युगों में क्या करना भाई, अंतर करना है। मैं आपको बताऊंगा इनमें से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो इस पर तो लगा दो फालतू का क्वेश्चन बिल्कुल, लेकिन स्टोक चर और प्रवाह चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये मैं करा चुका हूँ क्लास में, आप इनमें अंतर कर सकते हैं। टंकी में भरा पानी स्टोक है, टंकी से बहता पानी प्रवाह है। आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव की अगर बात करें तो मांग के साथ अगर करें तो जब इनकम बढ़ती है तो भाई मांग भी क्या होती है, बढ़ती है, और जब इनकम घटती है तो मांग क्या हो जाती है, घट जाती है। आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव है, मैंने आपको बताया था जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत बढ़ती है तो हमारी वस्तु की मांग क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, और जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत क्या होती है भाई, घटती है। प्रतिस्थापन वस्तु चाय और कॉफ़ी वाला एग्जाम्पल, तो हमारी वस्तु की मांग क्या हो जाती है, घट जाती है। इसके अलावा इस वाले विश्लेषण को भूल जाओ, कबाड़ क्वेश्चन, सार्वजनिक पदार्थ, सार्वजनिक पदार्थ क्या होते हैं, ऐसी वस्तुएं जो कि सरकार द्वारा विशेषतः पब्लिक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई जाती हैं, और निजी पदार्थ क्या होते हैं मेरे भाई, निजी पदार्थ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो कि लाभ कमाने के उद्देश्य से जिनका उत्पादन किया जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित होती हैं, ये समाजवादी केंद्रीय अर्थव्यवस्था से संबंधित होती हैं, और इनके बीच में यहाँ पर क्या उत्पादन करे, कैसा उत्पादन करेगा, फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है, यहाँ पर क्या उत्पादन करे, कैसा और किसके लिए उत्पादन करें, इसका बाजार अर्थव्यवस्था फैसला करती है। तो उम्मीद है क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आ गया होगा मेरे भाई, अगली क्लास में हम अगला क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार मेरे भाई।